को जरा बंद रहने दीजिए, आज यहाँ कोई पकौड़े शिकोड़े भी तले जाएंगे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका आयशा लाइफस्टाइल में। तो आगे हूं मैं आज एक न्यू वीडियो के साथ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने इंस्टा को फॉलो करके, ऊपर आईडी नजर आ रहा होगा, तो नमाज मैंने पढ़ ली। तो आज का वीडियो क्या है मैं आपको कुछ देर बाद बताती हूँ, और पहले मैं दिखाती हूँ कि घर में क्या हो रहा है, सब क्या करें इस टाइम। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आपको मोमना भाभी को। अस्सलाम वालेकुम मोमना भाभी, और यहाँ मोमना भाभी अपनी वीडियो एडिट कर रही हैं। वीडियो एडिट हो गई है बस, अब आप तो इफ्तारी में आज क्या बना रही हैं आप? क्या बनाऊं मैं आपको बताती हूँ आज इफ्तारी में क्या बनाना है। आप ना ये वीडियो जल्दी से एडिट करके आए बाहर, सबका वेट कर रही हूँ मैं। है क्या करना है आपने? आप टीवी लॉन्च में आए, मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि बाकी सब क्या कर रहे हैं। ओहो ये क्या हो गया मेरी अनमोल, क्या पढ़ी सिपारा पढ़ी है? हाँ तो इसे सिपारा स्टार्ट करवा दें। अब नहीं अभी है, जब तक वो उर्दू की समझ ही ना आएगी तब तक नहीं चले। और टीटा बाबा यहाँ क्या कर रहा है? मम्मी आज इफ्तारी में क्या बनाने का सोचा आपने? बनाने का क्या सोचा है? ठीक है आप भी सोचना भी ना, बताती हूँ आपको करना है। और मरियम क्या है? मरियम 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 मरियम, तो ये देखें मरियम भी आ चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम मरियम। तो मरियम आज आपने इफ्तारी का करने का क्या सोचा है? आज अभी सोचा आज और कई सारी चीजें बनाना, सबको लेकिन लग रहा है कि आज आशा ने फिर इफ्तारी करवानी है, मतलब खुद बनानी है घर में। आज सबको यही लग रहा है कि आशा इफ्तारी बनाए। तो मैंने 50 एक बात यहाँ क्लियर कर दूं कि मैंने 14 डिशेस बनाई थी, और जो खजूर थी वो मैंने ऐसे ही कह दिया था 15, ठीक है। तो जो मुझे आता था वो मैंने बना दिया। तो ये बात थी बस, और कोई बात नहीं थी। तो सबको मैंने यहाँ बुलाया, मणि माफ कीजिए जहाँ बैठे यहाँ बैठे, मैंने आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी, सबसे बैठ जाओ यहाँ। अनमोल आप भी आ जाओ, अनमोल अनमोल वहाँ बैठो। तो ममना मैंने सोचा है कि हमने 2 दिन इफ्तारी करवाई है, मैंने भी करवाई, उसके बाद फिर आपने करवाई, और आमना और मैं हम सब ने मिलकर बहुत काम किया। तो आज सब थके हुए हैं, देखें रोजे में हैं और सब और थके हुए। ममना भी डाइट कर रही है, तो ममना कोई थकी नहीं हुई, आपने थकी, आपने तो कुछ किया नहीं। तो मैंने सोचा है कि आज इफ्तारी में कुछ नहीं बनेगा, तो फिर खाएंगे क्या? खाएंगे क्या वो करेंगे? नहीं गैस करें, क्या करना चाहती हूँ मैं बताएं? आप बनाना चाहती हो? मैं नहीं बनाना चाहती। तो मैंने सोचा है कि आज मैं जो 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 कुछ खाना चाहता है ना ऑर्डर करते हैं, ठीक है, बाहर से ऑर्डर करते हैं, जो जिसको दिल कर रहा है ना कुछ खाने का मुझे बताए, मैं भी ऑर्डर करती हूँ और इफ्तारी से पहले आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ओके, मुझे बता दीजिएगा कि क्या खाना ऑर्डर कर दूं अभी, कि 4 बजे ऑर्डर करती हूँ, अभी जल्दी हो जाएगा ना, 4 बजे 4 बजे ऑर्डर करती हूँ। और ये जो किचन है ना आज इसको जरा बंद रहने दीजिए, आज यहाँ कोई पकौड़े शिकोड़े भी तले जाएंगे, ठीक है, और ना ही कोई डिनर रेडी होगा। आज डिनर भी बाहर से होगा और इफ्तारी भी हमारी बाहर से होगी, मैं सब कुछ टेक अवे कराने लगी हूँ, ठीक है। अम्मी को रेस्ट मिलेगा, सहरी भी मैं आपको आज एक सरप्राइज आपके लिए। तो मैं सोच रही सहरी भी आपको, सहरी देखते हैं फिर बाद में खुश बना लेते हैं, अफ्तारी के बाद बना लेते हैं, ठीक है। चले जी ये जो है ना ये इसको मैं बंद करने लगी हूँ, तो इसको बंद रहते हैं रखते हैं आज। तो अब मैं ऑर्डर करने लगी हूँ, ठीक है। तो मैं पूछते रहूँ क्या खाना है सबने, अम्मी आपके लिए क्या ऑर्डर करूँ, आपका क्या दिल कर रहा है? बाहर की जो चीज़ है जो घर में बनाते उतना मजा नहीं आता, बाहर से मजा आता, क्या खाना चाहती हैं? मैं तो सब कुछ खा रही थी। नहीं बाहर क्या कुछ बड़ा दिल कर रहा है, मैं बाहर से मंगवाती हूँ आपके लिए इफ्तारी। समोसा मणि आप? मैं कुछ नहीं खाती है, समोसा भी नहीं खाती, समोसा नहीं खाती, क्या दिल कर रहा है बताने? नहीं खाती, इसको इसको बिरयानी खा देना, जो तुमने मंगवाना वही हम खा रहे हैं। नहीं जो आप कहेंगे वही मंगवाऊंगी, ठीक है ना, करो बिरयानी खाएगी, मैं सब कुछ खाऊंगी जो भी होगा। चलिए अनमोल आपने क्या खाना है? मैंने फ्राइज। हाँ मैं अपने अनमोल के लिए फ्राइज ऑर्डर करती हूँ, ठीक है। और ममना आपके लिए? मेरे लिए मैं तो कहती हूँ डिफरेंट मंगवाओ, सब कुछ खा चुके हैं,
पकौड़े, दही बूंदी सब कुछ खा ले। क्या मंगाओ? बिरयानी मंगवाओ कुछ स्पेशल। डिनर में होगी ना बिरयानी, इफ्तारी में बताएं। इफ्तारी बाद ही खा लेंगे ना, थोड़ी सी इफ्तारी करके बिरयानी खा लेंगे। चलें ठीक है। और जो अली है उसका हम जो आज वो जो हम खाएंगे ना आज वही खाएगा वो। और ड्रिंक क्या करेंगे? क्या ड्रिंक? ड्रिंक वो तो बनानी पड़ेगी। तो ड्रिंक बना लेते हैं, शरबत तो वो मैं बनाऊंगी शरबत। ठीक है यार, क्या करो? दूध बनाओ। अच्छा दूध वाला शरबत बनाओ। शरबत दूध में डालो। अच्छा दूध बनाएगा शरबत। चले ठीक है, मैं अभी इसे रेडी कर ले। तुम लंगा पता हम तो पीते हैं रोज का दूध। चले अब अपने काम स्टार्ट करते हैं, ऑर्डर करने लगी हूँ मैं। ठीक है चले। और अब मैं ना जो तुख मलंगा है ना उसको भगो देती हूँ, मुझे किचन में फिर जाना पड़ेगा। चले मुझे किचन में जाना पड़ेगा। किचन नहीं बंद हो सकता। चले जी यहाँ से मैं अपनी तुख मलंगा निकालती हूँ। यहाँ से और जग को थोड़ा सा वाश कर लेते हैं, थोड़ा सा वाश करके इसमें दूध ऐड करते हैं। रख देती हूँ। चार बच्चे थे हैं और ऑर्डर मैंने कर दिया सारा कुछ जो जो आप लोगों ने कहा है। जबरदस्त तारीफ होगी, बहुत कुछ ऑर्डर किया, कुछ मैंने बताया, कुछ बाहर में भी कुछ कह रहे हैं ये करो वो करो, मैंने अपने से भी कुछ चीजें ऐड की हैं। तो आप देखना इफ्तारी में आज की इफ्तारी जो मैंने बाहर से ऑर्डर किया सब कुछ क्या होती है। और डिनर भी हम करेंगे ठीक है, उसके बाद फिर एक और सरप्राइज आप लोगों के लिए। चीनी ऐड कर दी, गर्म दूध में चीनी मिक्स होगी, ऐसे नहीं होगी। तो जो मैंने ऑर्डर किया था वो आने वाला है, क्योंकि टाइम हो चुका है इफ्तारी का। तो सब उठ, सब रेडी हो जाएं मरियम इफ्तारी को। चलिए इफ्तारी का टाइम हो चुका है, देखते हैं पनीर आ गया है। तो क्या है अभी अभी समोसे और दही मिले आए हैं, तो बाकी कब आएगा? बाकी अभी शायद। चले आ जाए, जल्दी से आ जाए, आ जाए आ जाए। इधर किचन में रखते हैं कि यहाँ टेबल में रखते हैं? ये किचन में बर्तनों में डाल डालते हैं, इधर रखें टेबल पे सारा कुछ रखें। चलें बाकी का वेट कर रही हूँ क्या बनता है। बिरयानी कब आएगी मोमना? मोमना क्या टाइम बताया बिरयानी का? 5:30 का था, पर अब देखें अभी 5:40 हुए हैं पर बिरयानी का कोई पता नहीं। ये ना अफ्तारी के बाद आए बिरयानी है, अफ्तारी के बाद ही फिर क्या बनेगा। चलें दोबारा पूछते हैं। और उतनी देर में अपना वो करना चाह रही हूँ, मैं किचन में आई हूँ, किचन में फिर आना पड़ गया मुझे। किचन में मुझे ना किचन के आने बगैर जाना नहीं है, खजूरें निकालनी है किचन से। और दूध जो मैंने जो तुख मलंगा मैंने भिगो कर रखी थी, अब टाइम हो चुका है दूध का रू अफ्जा बनाने का। रू अफ्जा आज मैं बना रही हूँ स्पेशल, क्योंकि फर्स्ट टाइम बन रहा है ना आज रू अफ्जा, मतलब दूध वाला। तो चले जी अब रेडी हो जाता है, तो थोड़ा सा दूध है और दूध डाला चले जी रेडी है। वाह मलंगा वाला आप यहाँ कैमरा पकड़ने का। ठीक है ठीक है, चले जबरदस्त जो लग रहा है वो अच्छा होता है। कलर ओढ़ ले आऊँ, थोड़ा सा ओढ़ा ऐड कर लो। हाँ कर लो, अभी थोड़ा सा और करना। चल ठीक है, इतना ठीक है, इतना मीठा अच्छा नहीं होता। आज हमें फीका पीना पड़ेगा, क्या हमारा इससे पेट भर जाएगा? और बड़ा कुछ है। अच्छा अभी आ रहा है ये देखो, मैंने कहा सेटिंग कर लूं, देर ना हो जाए कहीं। ये देखो हम तो दही बूंदी खाते ना डेली, आज एक्चुअली सही वाले दही बने आए, भल्ला आया देखो। ये देखो दही इसमें डालने हैं, बड़े बर्तन में किस में डालने हैं? डालने पड़ेंगे ऐसे, उन्हें डाल के दिए। एक और है ये देखो, इसमें आ जाएगा पूरा, तो बनेंगे ना। तो इसमें कितनी डालनी है? डाल दो सारी इसमें। तो
आज बर्तन ही पड़ेंगे मैडम, चोट दे ही पड़ते हैं। ये देख इसमें ज्यादा लग रहे हैं, इसमें कम लग रहे। ये देखो साथ इसके हेलमेट भी मिला है, चटनी भी है, बड़ा खुश है। चटनी भी है इसके साथ, इमली की चटनी है। चटनी अभी रोज ऐसे ना करनी चाहिए मुझे। साथ पापड़ी भी है, पापड़ी भी है। ये देखो आप इसमें डालना होगा, बाद में डालना। तो ये बहुत ज्यादा हो गया, मणियों ने मुझे कहा है कि सारे बड़े बॉल में मिक्स होंगे। क्या बनेगा फिर? ये भी मिक्स कर दो, ये मिक्स हो जाएगा, ताकि चीजें मिक्स हो जाएंगे। चलो आपने कहा बर्तन बढ़ेंगे, फिर बढ़ गए, मेरी किस्मत ज्यादा ही बढ़ गई। साफ कर लो, क्या निकाल दे, टाइम नहीं है। कितना टाइम रह गया? अब दिखा सकते हैं कितना टाइम रह गया। पूरे छः, पूरे छः। और चटनी खाने में जी जब सेपरेट रखो सब कुछ। अभी तक बिरयानी नहीं आई मैडम, क्या बनेगा? क्या अब तो अफ्तारी के बाद आए? चलो अफ्तारी के बाद या ईद में बच्चा, अब इसी से सफर करना पड़ेगा। तो समोसे भी निकाल लें, यार बाजार के समोसे हैं। किसके? बाजार के समोसे बनेगा, घर के समोसे खा खा के हम तंग आ गए हैं। लोग बाजार में खा के तंग आ रहे थे, हम घर के खा के तंग आ गए। मैं कुछ और समझी हूँ क्या? समोसे भी रेडी हो गए हैं, सब कुछ, सब कुछ रेडी है, लेकिन मेहनत करनी पड़ी है। आशा भी प्राइस भी आने वाली है, हमारी तारीख के बाद आएगी क्या? कोई बात नहीं, डिनर हम करेंगे। चलो ठीक है, और भी चीजें हैं, वो मैं ऑर्डर की वो आ गई, मैं देखती हूँ बाहर जाके। चलो तो ये प्राइस भी आ चुके हैं, मॉल की रिक्वेस्ट पे यहाँ रखते हैं। चलिए सब रेडी है, तो आज मोमना अपना अम्मी अनमोल आपके प्राइस जोर से ना वो काट गया है गला। अनमोल आपके प्राइस, अनमोल आपके प्राइस जो ऑर्डर दिए थे नहीं बोलोगा। हमने आपका समोसा तो वो उठा लिए, ये चटनी बड़ी बढ़ी है कितना। चले ये ले मामला, ये मरमरी दही पर परोरी का। समोसा अम्मी के लिए मैं रख रही हूँ। चलिए तो नमाज मैंने पढ़ ली है और अब टाइम है डिनर का, 7:10 अभी तक डिनर नहीं आया। मतलब बिरयानी नहीं आई। यहाँ देखिए अनमोल अभी भी फ्राइज खा रही है। आगे बिरयानी आ गई, बिरयानी आगे, बिरयानी आ जाए अभी मेरी। चलो ठहर के खाते हैं, मामला अभी गर्म, अभी ठहर के ठीक है, यहाँ रखते हैं। चले तो सब ने इफ्तारी कर ली है, एक इंसान रह गया जो ऑफिस से लेट आता है, वो भी आ गए हैं। आ जाए आ जाए, अस्सलाम वालेकुम। आज आपके फेवरेट दही बल्ले मैंने ऑर्डर करके मंगवाए बाजार से, ये देखो किसके होंगे ये आदिल के। ये आपके फेवरेट दही बल्ले हैं, ये आपका समोसा, ये आपकी ड्रिंक और बिरयानी। जल्दी से बैठ के खाए, जुए नहीं आएंगे तो भूलेंगे, ऐसे नहीं कहते। चलिए जल्दी आप खा रहे और मुझे बताए क्या आपको मजा आया आज। आज समोसे का मजा है, जो डेली समोसे खाते हैं वो मजेदार होते हैं। समोसा बहुत बेस्ट बेस्ट है, समोसा आदमी का बहुत अच्छा।
चलें जल्दी ने अभी अपनी इफ्तारी कर ली है। अब टाइम है डिनर का, क्योंकि सबको वेट था बिरयानी खाने का। टाइम हो चुका है 9:20 होने वाले हैं और ये मरियम भी आ चुकी है। आज मरियम और सब आ चुके हैं, सब बोल रहे हैं कि हमें भूख लग गई है। अम्मी को भूख लग गई, ममना को भूख लग गई है, लगी ना? चले चले फिर। मैं बिरयानी कब से आ चुकी, मैं गर्म करके लेके आती हूँ, ठीक है? चले तो हम माइक्रोवेव में मैंने गर्म किया, ये देखे बंद करते हैं और लेके चलते हैं। आप दोनों से ही गिरी है, मैं तो फिर सैरी भी करने जाना है आपको। काफी है, चलिए और मैं साथ ही कोशिश। इतना थोड़े खा सकते हैं। दही बूंदी भी, दही बूंदी फिर आ गई है। दही बूंदी भी बन रही है, फिर आ गई है। हाँ, मुझे पसंद है चारों में साथ। चलो ठीक, चलें जी अम्मी साथ पर आप स्टार्ट करें। चलें और मरियम, मुझे आप भी करें। आपको बहुत भूख लगी थी, आपको भूख लगी थी पर हमें नहीं लगी थी, हमने आपको लेट कर मतलब वेट करवाया। जल्दी करें, खाएं। इस टाइम सबको भूख लग जाती है, थोड़ी हल्की हल्की सी भूख है ना, मीठी मीठी सी। मैं ज्यादातर ना सोचती हूँ कम खाऊं, सहरी में खाऊं, वरना सहरी में खाया नहीं जाता। जैसे उस दिन मरियम से खाया नहीं जा रहा था सहरी में, याद है आपको? गोभी वाले दिन मरियम कह रही थी मैं दिल नहीं कर रहा, मतलब याद है ना? आप भी स्टार्ट करें। आप आपकी फेवरेट बिरयानी, आपने बिरयानी कहा था, मरियम ने कहा था मैंने कुछ नहीं खाना, और अम्मी ने कहा था मैंने समोसे खाने हैं। चलें और दही बूंदी फिर मैं ले आई हूँ। दही बूंदी दही बल्ले हैं। चलें स्टार्ट करते हैं और उस खाने के बाद मिलते हैं, उसके बाद कुछ और आपको खिलाऊंगी, ठीक है? तो अब टाइम है सहरी का, तो सहरी हम करने जा रहे हैं आज बाहर, और मरियम हमें लेके जा रही है सहरी के लिए जी। हाँ। तो आगे वीडियो आप देखिएगा लाइव विद मरियम। मैं सहरी का भी नहीं, आप रेडी हो जाए, अपने कपड़े से नहीं पहने हुए, रेडी हो जाके शाबाश। अभी हम इधर ही नहीं जा रहे, ठीक है? अनमोल कपड़े चेंज करती है। तो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी लाइव विद मरियम में, यहाँ से मैं अपनी वीडियो एंड करती हूँ। और लाइव फीड मनी में आप देखिएगा दावते सहरी की वीडियो, और इसी के साथ वीडियो करती हूँ एंड। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आशा लाइफ स्टाइल को जाकर सब्सक्राइब करें, और मेरे इंस्टॉग फॉलो करें, आईडी नजर आ रहा होगा। और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, पता ही नेक्स्ट वीडियो कौन सी होती है। तो अल्लाह हाफिज़।